और काफी अफवाहें थी कि इधर हूँ उधर हूँ यहाँ हुआ हूँ। तो अभी हम लोग जोरावर के लिए यहाँ पे जोरावर की बात करते हैं। बहुत जल्द मैं एक बहुत एक्सक्लूसिव और डिटेल इंटरव्यू करूंगा आप लोगों के साथ, जिसमें वो पूरी स्टोरी बताऊंगा कि एक्चुअली मेरे साथ हुआ क्या, और बहुत इंपॉर्टेंट फेज है मेरी लाइफ का। सो आई विल टेल देम। थोड़ा सा अगर ब्रीफ अगर आप भी बता सके, यू आर क्रिएटिंग मोर सस्पेंस। नो नॉट सस्पेंस, मतलब आई वांट टू एक्सप्लेन इट, मतलब अभी ये वक्त नहीं है वो सब बात करने का, तो आराम से बताऊंगा। राइट, नेक्स्ट। हनी हाय, क्वेश्चन फॉर यू ऑफ कोर्स। यू नो योर करियर इज गोइंग ग्रेट, गर्ल्स आर कंटिन्यूस टू डू सो एज अ म्यूजिक कंपोजर एंड समवन हु मेक्स म्यूजिक। व्हाट प्रॉम्प्टेड हनी सिंह टू टर्न टू एक्टिंग? You know, considering we've seen musical sensations over the past who've taken up acting assignments and their musical careers have come to a standstill. So was that somewhere the apprehension of, did that thought ever come to your mind? Thing is, as far as myself is concerned, I don't consider myself just in a rapper or just a singer. I'm a music producer, lyricist. I'm a poet. I'm a singer as well, rapper as well. So, and acting is also part of big entertainment. So I call it myself an entertainer. So that's the only thing which is left, acting. So I really want to learn acting because I feel it's a very tough job, you know, to portray someone else's character and to behave like that on screen. It's really tough, it's really hard. So I always wanted to learn, and I'm thankful to VDC who gave me this opportunity to do this movie. And I learned a lot in this movie how to do acting. You know, what I believe कि काम कर कर के काम सीख सकते हैं, ऐसे कोई इंस्टीट्यूट में जाके नहीं आप सीख सकते। तो म्यूजिक भी मैंने ऐसे ही बना बना के काम कर कर के ही सीखा है, इम्प्रूव हुआ धीरे धीरे, कैसे कैसे करते करते म्यूजिकल मेरा लेवल बहुत बढ़ा। तो उसी तरह मुझे लगता है कि एक्टिंग भी कुछ कुछ अगर मेरे को प्रोजेक्ट्स मिलेंगे मैं कुछ भी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं। इससे पहले ये स्टोरी बहुत बढ़िया थी और एज अ लीड मुझे लिया जा रहा था, तो मैं थोड़ा और सीरियस हुआ। इससे पहले एक दो अटेम्प्ट मैंने और किए वो ऐसे ही फन के लिए, तो बट उसमें भी काफी कुछ सीखा। तभी शायद उसकी हेल्प से ये हुआ कि आज किसी ने सोचा कि मुझे शायद एज लीड भी ले सकते हैं, तो इसके बाद कुछ और भी कर सकते हैं हम आगे, लेट्स सी। Don't you think the focus will then ना ना shift ना again? ना ना ना, मैं तो इच्छाधारी ना हूँ, मेरे साथ मैं बहुत काम कर सकता हूँ, एक साथ बहुत सारे काम कर सकता हूँ, मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ। हनी सिंह, म्यूजिक ऑन योर लेफ्ट, ऑन योर लेफ्ट। सबसे पहले सत श्रीकाल, एंड द ट्रेलर इज फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशंस। माय क्वेश्चन टू यू इज, आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपको पता चला कि यू आर एक्टिंग इन दिस फिल्म एज अ लीड? व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? उसने मुझे स्टोरी बहुत बढ़िया लगी, कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि हाँ अगर आप लोगों को लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो लेट्स रोल इट, लेट्स डू इट। और फाइनली मुझे, मैं ट्रैवल इतना कर रहा था कि मैं कहने की बात नहीं है, मैं 7 दिन में 5 अलग अलग शहरों में, 3 अलग अलग मुल्क में होता रहा उस दौरान। तो मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि यार एक जगह टिक जा तू, तेरे को स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जा रहा है, तो सो नहीं रहा है बिल्कुल, तो सोना जरूरी है और एक शहर में रहना जरूरी है ज़्यादा वक्त तक। तो मेरे को था कि हाँ एटलीस्ट हम शूटिंग करेंगे तो एक सवा महीने एक शहर में तो टिकने को मिलेगा कम से कम, तो वो सबसे बड़ा रीज़न था। तो वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ, फिल्म की स्टोरी सबसे बड़ा रीज़न थी। सो आपको किसी ने टिप्स दिए थे आपके अपने जो बॉलीवुड से फ्रेंड्स हैं या कोई भी आपके, जैसे शाहरुख हो गया, किसी से आपने आपने कहा, किसी से शेयर की ये बात की नहीं? नहीं, मैंने किसी को उस टाइम आई उस वक्त बताया नहीं था, बल्कि मेरे को सब पूछ रहे थे तू कहाँ जा रहा है, डर्बन में क्या करने जा रहा है, तो मैं कहा मैं ऐसे कुछ शूट करने जा रहा हूँ, किसी को बताया नहीं था। लेकिन सबको पता लग गया था कि मैं पंजाबी फिल्म कर रहा हूँ, तो सब सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, सब लोग, सबों को पता है। इनफैक्ट शाहरुख भाई से भी उस दिन बात हुई तो बोल रहे थे कि उनको भी दिखाया मैंने ट्रेलर फोन पे, जो हम लोग अवार्ड्स में मिले थे। तो एवरीबडी इज एनकरेजिंग मी कि बढ़िया कर ही जाओ। हनी सिंह, आपको कितना टाइम, मतलब कितने दिन की शूट थी आपकी, एंड इज इट दैट कि थोड़ा शूट डिले हुआ था बिकॉज़ ऑफ योर एब्सेंस, कुछ ऐसा कुछ था सर? नहीं, सिर्फ एक 2 दिन का क्लाइमेक्स का शेड्यूल था जो रह गया था, जो मैंने फिर बीच में कंप्लीट किया उसको, बाकी सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका था। फ्रॉम ट्रेलर इट सीम्स कि इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी पंजाबी फिल्म की अगर हम बात करें, स्केल की बात करें, इज इट ट्रू? एंड डू यू थिंक दैट फ्रॉम दिस मूवी इट विल, यू नो, इट विल सेट न्यू बेंचमार्क? अब प्रोड्यूसर्स आपके बीच में हम राय जाना चाहेंगे, आपसे भी प्रोड्यूसर से। हाँ, जवाब तो वही देंगे, बाकी इतना पता है कि मैं हनी सिंह है तो सफेद हाथी है भाई। यू आर राइट, इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म एवर मेड इन पंजाबी, एंड वी थिंक दैट इट विल सेट न्यू बेंचमार्क्स। यस इंडीड। हाय हनी, कंग्रेचुलेशंस फॉर द ट्रेलर, द ट्रेलर लुक्स अमेजिंग। बीच में रिपोर्ट्स आ रहे थे कि चीज़ें आपके और दीपिका के बीच ठीक नहीं है, दीपिका पादुकोण, तो जानना चाहूँगा क्या चीज़ें शॉर्ट हो गई हैं? नहीं, ऐसा 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 तो कुछ भी नहीं है।
अगर तो कुछ भी नहीं, पहली बार सुना, ये नया नया आ रहा है ये क्या, ये तो कहीं नहीं सुना। आपके और शाहरुख की जो टसल की न्यूज आई थी, कुछ भी नहीं आया, कभी भी नहीं आया सर। उनसे तो बहुत अच्छे रिलेशन, इनफैक्ट शाहरुख भाई से मिला अभी तकरीबन 1.5 साल बाद, अवार्ड से हम लोग मिले थे, मिल नहीं पा रहे थे। लेकिन जब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तब करीम भाई वगैरह सब, मोहम्मद भाई वगैरह सब लोगों के घर पे फोन आते थे कि कैसा है, कैसा हूँ, मुझे और रियली कीपिंग चेक कैसा है कैसा नहीं। अनी इस पर मच इधर। I just like to add no tips on how to romance a leading lady by the king of romance for the film, considering you are very nervous. No, no, I don't think. अभी तक उन्होंने बताया नहीं, उसे लूंगा definitely मैं जरूर tips. अनी इस पर मच। मुझे पूरी लिबर्टी दी कि स्टोरी के हिसाब से ज्यादा गानों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पूरी फिल्म भाग रही है और स्क्रीन पे बहुत टाइट है, तो तकरीबन सिर्फ 3 ही गानों का मौका मिला करने का फिल्म के हिसाब से। तो 3 गाने कोशिश करिए कि बहुत अच्छे हैं, और म्यूजिक भी बहुत अर्बन रखने की कोशिश करिए गानों को, जो अभी गाने आ रहे हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है। एक सवाल पवन जी थोड़े को भी है कि रोमांटिक जॉनर दी फिल्म, रोमांटिक कॉमेडी जी है वो पंजाबी सिनेमा में नज़र आदि ने, तो उन्होंने लगता है कि लीक तो हट के कुछ अटैम्प्ट जो उस फिल्म का राही किया जा रहा है। यह तो बहुत अच्छी गल है, इनफैक्ट आई एम वेरी हैप्पी, दिस इज माई थर्ड फिल्म, और तीनों फिल्म अलग कहानियां, अलग तरह की फिल्म आएगी। एंड आई थिंक यूएसपी है कि एक तो हनी सिंह, एंड दैन यहोजी कहानियां जनरली पंजाब में अटैम्प्ट नहीं की जाती, और मैं हमेशा कहना कि पंजाब इज फुल ऑफ स्टोरीज, यू नो, इवन इन बॉम्बे द फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कैमरे के पीछे और कैमरे के सामने एक बहुत बड़ा हिस्सा पंजाबी है, यू नो। सो पंजाब में कहानियों की कमी नहीं, उस जमीन में बहुत कहानी है। और अगर जैसे ये फिल्म अगर आप देखेंगे तो ट्रेलर आप लोगों ने देखा है, जिस तरह से जिस भाव के साथ बनाई गई है, आई थिंक देयर इज नो लुकिंग बैक अगर पंजाबी फिल्म में, और ऑडियंस की कोई कमी नहीं है। तो आई रियली यू नो आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ईटीसी फॉर टेकिंग दिस स्टेप, व्हिच इज अ वेरी गुड स्टेप टू यू नो टू बेक इन विद। All right, cool. One last question. Wait, आखिरी सवाल. Thank you.